जैपनीज लैंग्वेज हो या कोई भी काम हो, गोल सेटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। गोल अगर हमने नहीं बनाया है या फिर उस गोल के अकॉर्डिंग हमने वो प्लान नहीं बनाया है कि इसको अचीव कैसे करना है, तो कोई भी काम हो, ख़त्म होने के बाद वो दोबारा शुरू करना पड़ता है। こんにちは、りさこです。今日は日本語学習において、言語学習において目標設定がどれだけ大事かを学んでいきましょう。आज हम गोल सेटिंग सीखेंगे। गोल सेटिंग सीखेंगे। वेलकम टू न्यू होंगो मैक्स। मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल को किस तरह से अचीव करना है। उससे पहले इम्पॉर्टेंट आता है कि गोल हमें बनाना क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम ले लेते हैं N4 की कांजी, अराउंड 200 कांजी होती है। तो अगर हम इसको सक्सेसफुली, जैसे एक लेवल के बाद 6 महीने का हमें टाइम मिलता है, तो अगर हम इसको पहले ऐसा सोचते हैं कि 3 महीने में हमें इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम ग्रामर वगैरह सीखते हैं। हालांकि वो सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मानते हैं कि पहले मैं कांजी कर लूँ, उसके बाद ही मैं ग्रामर और दोकाई चौकाई पर आऊँगा, कोई बात नहीं उस तरीके पर भी। तो एग्जैक्टली क्या 3 महीने के अंदर वो कांजी आपकी कंप्लीट हो रही है? कंप्लीट का क्या मतलब है? सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या का ये मतलब है कि वो कांजी मैं देख के रिकॉग्नाइज कर लूँ कि उसका मीनिंग क्या है और उसकी रीडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 200 कांजी हैं और 3 महीने में 90 दिन का टाइम होता है, तो आप उसको डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है वो हम अगले पॉइंट में सीखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले आता है क्या, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर गोल की डिटेलिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। गोल क्या होता है, पहले मेरा वो गोल अचीवेबल भी है या नहीं है। अगर वो गोल मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके बना लिया है और उसको फिर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो गोल सेटिंग वगैरह इन सब चीज़ों से हमारा भरोसा भी उठ जाता है। तो इसलिए उसमें जैसे अपना इमरजेंसी का टाइम या फिर कोई छुट्टी का भी एक टाइम को डाल के फिर आपको उसको डिवाइड करना है। अगर देखिए 200 को 90 से डिवाइड करें तो लगभग जैसे 2 या थोड़ी सी ज़्यादा कांजी एक दिन में आती है, तो नहीं, 90 नहीं, उसको आपको 60 या फिर 70 से डिवाइड करना है, और इसको कहते हैं रियल गोल सेटिंग। と、なぜ目標設定が大事なのか。と、目標を設定するかしないかで成功するか失敗するかにつながってしまいます。と、しっかりここまでたどり着きたいという目標を設定して勉強プランを立てていきましょう。पॉइंट नंबर टू, अब बात करते हैं गोल को सेट कैसे करना है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि गोल है या नहीं है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है सक्सेस और फेलियर से। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है सक्सेस और फेलियर का, जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा फेलियर क्यों है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है। तो बात करते हैं कि कैसे हमें गोल को अचीव करना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपरली आपको डिवाइड करना है, उस डिवाइड करते समय आपको वो टाइम भी निकालना है जो कि हम जोश जोश में नहीं निकालते हैं, जैसे इमरजेंसी का टाइम। अब उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी है कि स्टार्टिंग में वो हमारा जैसे 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में वो गोल चलता जा रहा है या नहीं चलता जा रहा है, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये काम मतलब अगर ये प्लान ठीक चल रहा है तो ठीक है, मेरी गोल सेटिंग ठीक है, लेकिन अगर गोल सेटिंग डिले हो रही है तो फिर से मैं कहूँगा कि रियलिस्टिक प्लान पर वापस आइए और फिर से इसको कस्टमाइज़ कीजिए। और अगर आपको ये सब मुश्किल लगता है तो बने बनाए प्लान के लिए जाइए nihongomax.com पर, जहाँ पर N5 से लेकर N1 तक, बिजनेस जापनीज से लेकर काइवा तक, चोकाई से लेकर दोकाई तक, सब कुछ प्लान वे में समझाया गया है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। どうやって目標を設定するかと、まず目標を決めたら、その目標に向けてどんなプロセスで勉強をしていくか決めていくことが大事です。と、もし日本語検定の日にちが決まっていて、それまでに何の勉強が必要なのか、漢字の練習が必要なのか、聴解の練習が必要なのか、すべて何が必要なのかを判断した上で、一つ一つプロセスを決めていきましょう。So in the end, मैं यही कहूंगा कि आपको इस वीडियो से आई थिंक थोड़ा सा गोल सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा, चाहे वो कांजी हो, चाहे वो दोकाई हो, चाहे वो चौकाई हो। अगर आपने अपना एक प्रॉपर मटेरियल पहले फिल्टर किया हुआ है और उसके बाद फिर उसको गोल के अंदर डाल के पढ़ाई की हुई है। देखिए, बिना गोल के मैं फिर से कहूँगा कि पढ़ाई करना एक रैंडम पढ़ाई हो जाती है। अब पता नहीं चलता कि अब मुझे दोकाई पे ज़्यादा वेटेज देनी है या कांजी में ज़्यादा वेटेज देनी है। अगर आपका गोल सेट है तो आप क्लियर रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे कि ये टाइम सिर्फ दोकाई का ही है तो मैं दोकाई करूँगा, ये टाइम सिर्फ चौकाई का है तो मैं सिर्फ चौकाई करूँगा।
इसलिए गोल सेटिंग आपको एक क्लैरिटी देती है और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और लाइक बटन जरूर दबाएं ओनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच। उसका समादेश।